हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मंजू और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूं, जो कि कल 31 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था तो मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया था। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गुड वाइब का टोनर अप्लाई करूंगी अपने पूरे फेस पर और उसको अच्छे से सेट होने के लिए रख दूंगी। जब तक मेरा टोनर सेट हो रहा है मैं लिप को मॉइस्चराइज कर लूंगी निविया के लिप बाम्स। और ये डे टाइम मेकअप लुक है तो मैं इसके बाद लोटस का सन ब्लॉक लगाऊंगी जो कि SPF 50 है। अगर आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हैं तो सन ब्लॉक लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसको अच्छे से मसाज कर लूँगी अपने पूरे फेस पर और ईयर पे, नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और फेस पे सब कुछ अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ देना 5 मिनट। इसके बाद मैं लैक्मे का ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर लगाऊंगी और ये प्राइमर बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। अगर आप लेना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये प्राइमर बहुत अच्छा है, आपके फेस पर एक ब्राइटनिंग एक इफेक्ट भी देता है और आपके जो पोर्स हैं उनको भी ब्लर आउट करता है। तो मुझे प्राइमर बहुत पसंद है, मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आई मेकअप करूंगी और इसके लिए मैं अपनी आईलिड को प्राइम करने के लिए ओलिवे के पेन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। ब्रश लेकर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर मैं अपने जो प्राइमर लगा था उसको सेट कर लूँगी। और आई मेकअप के लिए मैं ब्यूटी क्लिस्ट का मस्टर्ड पैलेट ले रही हूँ। इसमें जो पहले लाइट ऑरेंज शेड है मैं उसको अपने ट्रांजिशन शेड के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसको जस्ट आपको लेफ्ट राइट करके ब्लेंड करना है। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे आपका आई मेकअप उतना अच्छे से ही उभर कर आएगा। उसके बाद सेम कलर को ही मैं थोड़ा सा क्रीज भी अप्लाई कर लूँगी। और इसके बाद मैंने जो डार्क बरगंडी शेड है और ब्राउन शेड है उसको लेकर मैं एक जो वी है वी अच्छे से ड्रॉ करूँगी। अगर आपका अप्लाई करते टाइम थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए देन आप जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो लेकर आप सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लें। जो भी अगर थोड़ा सा आपका गलत अप्लाई भी हो जाता है तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मैं थोड़े से अपने आउटर वे को थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। फिर एक बड़ा ब्रश लेकर मैं उसको अच्छे से सब कुछ जो भी मैंने लगाया था मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और अपने आउटर वे पर फोकस करूँगी। जो डार्क कलर उसको भी ब्लेंड कर लूँगी और अपने क्रीज लाइन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन सेम ओलिविया का कंसीलर लेकर मैं एक हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। इसके बाद जो शिमरी कलर है लाइट ऑरेंज और पिंक उसको मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी दोनों को अच्छे से मिक्स करके। मैं अपने डार्क सर्कल्स को थोड़ा सा करेक्ट कर लूँगी एलो के कलर करेक्टर से। अगर आपके डार्क सर्कल्स उतने नहीं हैं तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। और ये एलो का कलर करेक्टर है बहुत ही अच्छा है,
मुझे ये बहुत पसंद है। देन कलर करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं एलेगल का ही लूज पाउडर लूँगी और उसको अच्छे से सेट कर दूँगी, क्योंकि अगर आप कलर करेक्टर सेट नहीं करेंगे तो वो आपके कंसीलर में मिक्स होकर उसको भी ऑरेंज बना देगा। देन फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन के लिए मैंने मेबेलिन का फिटमी फाउंडेशन लिया है और मेबेलिन का स्ट्रीट 24 आवर्स फाउंडेशन लिया है। दोनों शेड को अच्छे से मिक्स करके मैं अप्लाई करूँगी और ऐसा करने से मुझे इसका जो कवरेज आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट आपको फुल कवरेज मिल जाता है। देन मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी और कंसीलर के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और ये जो कंसीलर का शेड है ये भी मेरे स्किन टोन से मैच करता ही है। ये डे टाइम मेकअप लुक है तो मैंने कोई भी हाईलाइट कंसीलर नहीं लगा रही हूँ। देन कंसीलर को थोड़ा सा सेट कर लेना है लूज पाउडर से। और इसके बाद ब्रॉन्जर अप्लाई करना है। ब्रॉन्जर के लिए मैंने शिवाना का पैलेट लिया है। आप ऑलमोस्ट मेरे वीडियो में देखते ही होंगे कि मैं ब्रॉन्जर के लिए सिर्फ ये पैलेट यूज़ करती हूँ मोस्टली, क्योंकि ये वाला पैलेट मुझे बहुत पसंद है। इसमें आपको दो हाईलाइट शेड मिलते हैं और एक ब्रॉन्जर का शेड मिलता है। देन मैं आईब्रोज को फिल कर लूँगी और मेरा आईब्रोज का शेप है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया इस बार, इसीलिए मैं अपने आईब्रोज को फुल होने के बाद ही मैं फिर से प्लग करवाऊँगी। तो दोनों आईब्रोज का शेप अभी सेम नहीं है, मेरा आईब्रोज थोड़ा सा ख़राब हो गया था। देन मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। ब्लश के लिए मैंने मेबेलिन का ब्लश लिया है, ये कोरल शेड का ब्लश है। देन मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी और मस्कारा अप्लाई करने से पहले मैं अपने आईलैशेज पर हल्का सा पाउडर अप्लाई कर लूँगी ताकि एक फॉल्सेस जैसा इफेक्ट आए। इसके बाद मस्कारे के 2 से 3 कोट लगाऊंगी। देन काजल अप्लाई करूंगी और काजल के लिए मैंने स्टिक विकी का काजल लिया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूंगी, थोड़ा सा लाइट ही अप्लाई करूंगी। देन वो जो पिंकिश जो शेड था जो मैंने ऊपर लगाया था उसी को ही मैं नीचे अप्लाई करूंगी ताकि मेरा आई का मेकअप ऊपर और नीचे एकदम समान लगे। और लिपस्टिक के लिए मैं जो लिप क्रियोन लगा रही हूँ ये पर्पल का लिप क्रियोन है रेड शेड में। मैं 2 लिपस्टिक को यूज़ करके लिप शेड अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का गिव मी मोका शेड लगाया इसके ऊपर, तो मुझे मेरा जैसा कलर चाहिए था वैसा कलर मुझे मिल गया है। लास्ट में हाइलाइटर अप्लाई करूंगी और मेकअप बिना हाइलाइटर के मुझे इनकम्प्लीट लगता है। मैं हाइलाइटर ज़रूर लगाती हूँ मैं जब भी मेकअप करती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर अप्लाई करना है वहाँ मैं अच्छे से लगा लूँगी। अभी थोड़ा सा प्लेस कर रही हूँ, उसके बाद मैं बड़ा ब्रश लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
सो फ्रेंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप कि आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो थोड़ा भी इन्जॉय किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।